अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मोजंगर सर, स्पीकर सर, मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो पॉइंट्स उठाए गए थे, तकरीबन सारे पॉइंट्स का जवाब दिए इस फ्लोर के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब। और सर, एक दो तीन चीज़ें मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ सर, आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से। सर, ये हरैतिया हराम का जो प्रोग्राम है थ्रू आउट तेलंगाना जिस तरीके से चल रहा है, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और हैदराबाद के अंदर भी काम हो रहा है डिपार्टमेंटली वाइज, हर एरिया में झाड़ा लगाए जा रहे हैं। मगर सर, आपके थ्रू मैं सीएम साहब से कहना चाह रहा हूँ, हर साल मानसून सेक्शन से पहले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पूरे जितने भी महलों में झाड़ों की कटिंग होती है उसके वास्ते 50% झाड़ कट जा रहे हैं हर साल के लिए। इसका हल निकालने के लिए सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जितने भी मेजर कॉलोनीस है फिल वक्त के वास्ते, जितने मेजर कॉलोनीस है जैसा बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, शांति नगर है, अकबर बाग है, रक्षापुरम है, ऐसे कॉलोनियों में झाड़ा लगे हुए सर और इलेक्ट्रिकल लाइन्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल लाइन्स की वजह से झाड़ों की कटिंग की जाती है। मेरी आपके जरिए ये हुकूमत से गुजारिश है कि अंडरग्राउंड आप इलेक्ट्रिकल केबलिंग कराइए, इससे अपना हरैतिया हराम जो प्रोग्राम चल रहा है वो एक अच्छा प्रोग्राम है और वो सक्सेसफुल होगा सिटी के अंदर। सेकंड सर, आज गरीब लोग कई हजारों में आज इंतजार में सर फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए, फूड सिक्योरिटी कार्ड रुका हुआ है। आपके जानिब से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इमीडिएटली फूड सिक्योरिटी कार्ड को वापस खोलना चाहिए। सर, थर्डली आसरा पेंशन है, आज कई एप्लीकेशन पेंडिंग है और 57 इयर्स का जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करी थी वो भी करना चाहिए सर। ये खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ सर, ओल्ड एज विडो सिंगल वुमन कई बेचारे ख्वातीन जो है इंतज़ार में है, ये लोगों की दुआओं का असर है सर कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना फॉर्म हुआ है और आज के चंद्रशेखर राव साहब की वापस हुकूमत चल रही है। आप जिस तरीके से वादा करे हैं उस वायदों को अमल कीजिए। और लास्टली सर, जनाब असदुद्दीन ओवैसी MIM प्रेसिडेंट और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस फ्लोर के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश किए थे कि खास तौर से आप ओल्ड सिटी के लिए एक 10,000 करोड़ का पैकेज देना चाहिए। ये जो ओल्ड सिटी के अंदर आज जो पेंडिंग वर्क्स है सर, हमारे MP साहब और हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कई डिपार्टमेंटली प्रपोज कर चुके हैं और वो कामा जब ही हो सकते हैं जब गवर्नमेंट ओल्ड सिटी को सपोर्ट कर सकती है। तो मेरी आपके थ्रू आपसे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि आप खास तौर से एक ओल्ड सिटी का 10,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। बट्टीगर सर हरिताहारम प्रोग्राम गुरिंचि वारु चेप्पिनारु, तप्पकुंडा वारि सूचन परिगणनलोकि तीसुकुंटाम अध्यक्ष। फूड सिक्यूरिटी कार्ड और राशन कार्ड की बात आपने कही है, उसके बारे में अभी चर्चा हो रहा है, नया मंत्री जी आए हैं, वो किस प्रकार से कुछ इनएलजिबल के पास भी कार्ड से कुछ लोगों को जरूरत भी है, तो उसके जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, सबके साथ आपके लोगों को भी मिलेंगे। पेंशन का जहाँ तक सवाल है, उसका छानबीन हो रहा है, 65 साल से हटा के 57 साल पे जो लाए उसकी लिस्ट बन रही है। मैं समझता हूँ उसमें सारे लोगों का जिनके एप्लीकेशन पेंडिंग है उसमें हल हो जाएंगे, अगर नहीं हो जाएंगे तो आप जरूर कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। जहाँ तक ओल्ड सिटी का पैकेज का सवाल है, आप लोग अच्छा जानते हैं, मैंने डिटेल समझा भी दिया कि इस साल के माली हालात उतना अच्छा नहीं है जितना रहना चाहिए। होता क्या है, अभी कुछ अंदाजा भी सही सही नहीं लग रहा है, रोज एक नई बात निकल के आ रही है। हम सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे माली हालात अच्छा हो, तो जरूर उस चीज के बारे में भी, ओल्ड सिटी पैकेज के बारे में भी सोचेंगे, उस चीज को डेवलप करना है, हमारा फर्ज बनता है, उस चीज पर भी सरकार गौर करेगी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। बट्टीगर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।